एवरीवन कि मैं तुसी सारे आई होप यू ऑल आर गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी संडे एवरीवन. आज जेड़ा मैं टॉपिक लेके आई हां ओदा नाम है व्हाई स्लीप इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर स्किन, फॉर आवर बॉडी. गुड स्लीप साडे लिए क्यों जरूरी होगी, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं जिन्हें भी काउंसलिंग्स की हैं उन्होंने मेरे को मैक्सिमम जो केसिस आए हुए हैं कि उन्होंने नींद ही नहीं आती है जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, एनजाइटी. सारी सारी रात सोचते रहते हैं, साइड चेंज करते रहते हैं. वो कहते हैं कि असं गोली जी सारा दिन काम भी करते हैं बट फिर भी सू रात को जो सौंदे हाँ सू नींद नहीं आती है. कभी हार्ट में दर्द होंगी, कभी हार्ट बर्न होंगे, कभी पेट में कुछ हो जाता है. वाई स्लीप इज इंपॉर्टेंट अज मैं थोड़ा दसती हाँ. मैं थोड़ा पहला भी बड़ी बार दसिया है कि बायोलॉजिकल क्लॉक होंगी है. जो असं दुनिया में आने असं सारे बड़े सोहने होंगे, बड़े फिट होंगे, बड़ी सोहनी स्किन, बड़ी प्यारी बॉडी के नाल परमात्मा सानू दुनिया में भेजता है. जो आप छोटे जे क्यूट जे बेबी होंगे राइट, उसकी बॉडी के कुदरती एक बायोलॉजिकल क्लॉक परमात्मा ने इन बिल्ड करके भेजी हुई है जिहड़ी 35 साल तक इदा चलती है. 35 साल तो बाद बायोलॉजिकल क्लॉक उल्टी चलनी शुरू हो जाती है. असं 35 साल तक छोटे होंगे, फिर व्डे 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 यंग होंगे, यंग 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 35 साल तो बाद जी बायोलॉजिकल क्लॉक होंगे रिवर्स चलनी शुरू हो जाती है. तो असी हौली हौली साड़िया बोन, साड़ी स्किन, साड़े हेयर ये सुंगड़ने शुरू हो जाते हैं, वीक होने शुरू हो जाते हैं अगर असी अपना ध्यान नहीं रखते हाँ. ओके, एक बार की हुआ एक साइंटिस्ट सेगा, उन्हें एक रिसर्च की थी नहीं, देयर इज नो बायोलॉजिकल क्लॉक, परमात्मा ने कोई बायोलॉजिकल क्लॉक भेजी नहीं है. तुम कभी देखे जो प्लांट्स होंगे, पौधे होंगे, वह सवेरे सवेरे खिल जाते हैं, सूरज उगन तो पहला रात ही मुरझा जाते हैं. देखा होगा ना थोड़े घर गार्डन होएगा, कुछ भी होंगे, सारे फुल सवेरे खिल जाते हैं, रात में सो जाते हैं. उन्होंने भी बायोलॉजिकल क्लॉक परमात्मा ने भेजी है बना के, कले इंसानों में नहीं भेजी, चाहे बर्ड्स है चाहे एनिमल्स है. अब तुम देखिए जो हैन होंगी कुकड़ होंगे वह किमें सवेर की बंग देता. सो उन्हें की किया उस साइंटिस्ट ने, उन्हें वो पौधिया एक कमरे के बंद करता, हनेरे में बंद करता कि मैं देखता कि क्लॉक है जी परमात्मा ने भेजी. अच्छा कोई टाइम ही नहीं है, अच्छा अंधेरा ही नहीं रहा, कोई रोशनी नहीं है. जिथे उन्होंने कहते सन सोलर सिस्टम कि सूरज कहते कि जो प्लांट्स के उत्ते सूरज दिरण पैदा से तो प्लांट उखल जाते, जो सूरज चला जाता मुरझा जाते. नो वो गल नहीं सी, जी बायोलॉजिकल क्लॉक सी और पौद्या के भी सी परमात्मा ने भेजी है. परमात्मा बहुत वड्डी शक्ति है, ताकत है जो असी नज़रअंदाज करते हैं. सो उन्हें साइंटिस्ट ने पौद्या अंदर करके रखता तो की देखा, जिथे बिल्कुल हनेरा से, जिथे लाइट नहीं सी, जिथे क्लॉक नहीं सी, घड़ी तक नहीं सी, वह पौधे उस कमरे में भी सवेरे खिलते सी, रात को मुरझा जाते. साइंटिस्ट मान गया कि यस देयर इज बायोलॉजिकल क्लॉक, ये साढ़े सारिया के अंदर है. तुम्हें देखा होगा कि असं 35 साल तक एकदम यंग अपने पूरे यूथ में आ जाते, उस तो बाद हौली हौली मुरझाने शुरू हो जाते राइट. क्यों? क्योंकि जो असी अपनी प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे हाँ, परमात्मा भी कहता कि अर्ली मॉर्निंग उठो, तड़के उठो, अमृत वेले उठो. असी जिन्नी जल्दी सोवांगे, जिन्नी जल्दी असी उठांगे, उन्नी ज्यादा तक असी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक नू अगे 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 खिंच सकते हैं. तुसी देखिया होना कितने फिल्म स्टार है जो सैलीब्रिटीज होंगे हैं वह बाकिया नालों ज्यादा क्यों यंग दिखते हैं. एक ना उन्होंने डाइट बड़ी वधिया होंगी, दूजा वो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं. हम मैं थोड़ा कुछ एग्जाम्पल्स देनी हाँ. तुम अक्षय कुमार का नाम सुने होगा, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, ए आर रहमान, ये सारे जल्दी सोते हैं. ए आर रहमान जिहड़े हैगे है वह अपना म्यूजिक बनाते ही 3:30 बजे. जिहड़े रॉक है हॉलीवुड के सब तो वड्डे, दुनिया का सब तो फेमस एक्टर रॉक, थोड़ा पता होगा तुम सर्च कर सकते हो, वह भी सवेरे 4 बजे उठता है. नॉट दीज पीपल, कले ये सैलीब्रिटीज नहीं, जिन्ने सैलीब्रिटीज इवन हॉलीवुड के वो सारिया ने भी तड़के अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू करता. उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, परमात्मा नाल कनैक्ट होंगे, प्रेयर्स करते, मेडिटेशन करते हैं. इस करके 60 साल की उम्र तक भी, जेनिफर लोपेज देख लो, कोई भी देख लो, तुम कह सकते हो 50+ है. उन्होंने बॉडी देखो, उन्होंने स्किन देखो, उन्होंने हेयर देखो, क्योंकि उन्होंने की किया बायोलॉजिकल क्लॉक के प्रोसैस को स्लो कर दिया. जदों भी असी अमृत वेले उठते हैं, तड़के उठते हैं, साड़ी जिंदगी में तड़का लग जाता है. जो लोग 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8, 9, 10 बजे तक सोते रहेंगे, वह उम्र तो पहला ही बुढ़े हो जाते हैं. उन्होंने जी बायोलॉजिकल क्लॉक है वह जल्दी रिवर्स होनी शुरू हो जाती है.
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਿਨ ਸੈਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫੇਸ ਝੁਰ ਗਿਆ, ਰਿੰਕਲਸ ਪੈ ਗਏ, ਬਾਡੀ ਢਿਲਕ ਗਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ, ਹਿਪਸ, ਥਾਈਸ ਸਭ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਗੈਟਿੰਗ ਅਪ अर्ली मॉर्निंग। 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, ना तो के पाठ करो, वॉक ते जाओ, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, मेडिटेशन करो, फिर चाहे तुसी ब्रेकफास्ट करके सो जाओ, आफ्टरनून च अपनी नींद ले लो। बट अर्ली मॉर्निंग जिहड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक है ओदा प्रोसेस तुसी हौली 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 स्लो कर दो। तुसी देखोगे थोड़ी उम्र 40 होगी, 50-60 थोड़े उत्ते एज आऊगी, एज का असर आऊगा बट स्लो हो जाएगा। थोड़ी हाथ दिया कुड़िया जे 30 साल विच ओल्ड लग रही है, तुसी 45-50 साल की उम्र जाके भी ओल्ड नहीं लगोगे। मैं थोड़े सामने एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत वड्डा साइंटिस्ट उन्हें पौधे उत्ते एक्सपीरियंस किया। सो बायोलॉजिकल क्लॉक जिहड़ी है यह बिल्कुल सच है, तुसी इन इंटरनेट के उत्ते सर्च कर सकते हो। अगर तुसी लेट तक यंग रहना चाहते हो, जवान दिखना चाहते हो, फिट दिखना चाहते हो, कि थोड़ी स्किन हमेशा ग्लो करे, थोड़ी बॉडी हमेशा फिट रहे, तो तुसी अर्ली मॉर्निंग उठना है। टाइम ते सोना, रात 9:30-10 बजे तक सो जाओ, सवेरे 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, कोशिश है 4 बजे तक, 4 बजे तक उठ जाओ, ना तो कि अपना रूटीन शुरू करो, वॉक करो, मेडिटेशन करो, छोटे छोटे मील्स खाओ, हल्का खाना खाओ, स्पाइसी फूड बंद कर दो, मैदे बंद कर दो, जिन्ना हो सके शांत रहने की कोशिश करो। तुसी देखो फिर थानू किवें 9:30-9 बजे नींद नहीं आती। और जो भी तुसी रात को सोना है तो 1 घंटे पहले अपना जिहड़ा मोबाइल डिवाइस है साइड रख दो, कोई खबरां नहीं सुननी, कोई गलत न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, सारा दिन फोन ते नहीं लगे रहना, और अपने कमरे को थोड़ा जहा ठंडा कूल बना के रखो। गर्मी नहीं होनी चाहिए, रोशनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा जहा हनेरा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, बहुता शोर शराबा थोड़े रूम में नहीं होना चाहिए, पिल्लो साफ होनी चाहिए, बेडशीट साफ होनी चाहिए, थोड़ा बैड एकदम साफ, कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए थोड़े रूम के अंदर। ये सब चीज़ें ट्राई करो और फिर देखो जी थोड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक है और 35 की एज में 85 की एज तक भी इदा ही चलेगी। यस सीरियसली, सो मैंने जिन्हें भी नॉलेज होती है, मैं चाहती हूँ मेरी हर मेरी भैन तक, मेरे हर क्लाइंट तक, हर इंसान तक नॉलेज पहुंचे। सो आप ज्यादा तो ज्यादा देर तक अपने आप को यंग, जवान, सेक्सी, टोन्ड, ब्यूटीफुल बना के रख सकिए। जिंदगी एक बार मिली है यार, पता नहीं अगले जन्म की कीड़े मकौड़े बनना है, की जानवर बनना है, की बन के असं आना है। ये जरा मनुष्य जन्म मिले, एड्डी सोहनी बॉडी मिली है, सो के ना गवाई है। Love you all, stay happy. I hope तुहानू मेरी वीडियो समझ आई होगी। ते कल तो सारे जने बायोलॉजिकल क्लॉक नू स्लो कर दोगे। 35 दी एज नहीं बुढ़े होना किसी ने भी, आप जाके 100 साल की उम्र तक भी जवान रहना। असं जो मरांगे उदों भी आप यंग दिखना चाहते हैं। मेरा हमेशा ही ड्रीम है कि जो भी मैं मरा और मेरी डेड बॉडी जाए तो मैं हमेशा सारे कहूँ वाओ मरी हुई भी गुरलीन कितनी सोहनी लग रही है। बाबा जी ने चाहे तो मैं अद्धे ही रखांगी, अमृत वेले उठांगी, तुहानू सारे नू भी जोड़ांगी, ते एंड तक 100 साल तक भी यंग, क्यूट एंड Love you all. Happy, stay strong, stay beautiful. Enjoy your Sunday with your family. Bye-bye.